हेलो एवरीवन। सो शी इज अ फेमस बॉलीवुड डिजाइनर अनीता डोंगरे, जिन्होंने रिसेंटली इस बार्बी के लिए बहुत ही सुंदर दिवाली आउटफिट बनाया। तो उन्हें देख के मैंने भी अपनी बार्बी के लिए कुछ ऐसा ही ड्रेस बनाया। वैसे इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट उस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड आने के बाद मैंने सोचा कि इसका एक डिटेल वर्जन भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड हैंकी, जो कि मोस्टली हर जगह मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इसकी मैंने पहले बाउंड्री को कट करके 4 फोल्ड किए, देन उसे इस तरह से स्कर्ट की डिजाइन में कट कर लिया। अब जो बॉर्डर मैंने काटी थी उसे मैं इसके नीचे ही अटैच करूंगी, बट एज यू कैन से कि बॉर्डर तो स्ट्रेट है और स्कर्ट राउंड में कटी है, तो इसे अटैच कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। पहले तो बॉर्डर के जो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे उन्हें मैंने आपस में स्टिच कर दिया। स्टिच होने के बाद इसकी एक लंबी सी पट्टी बन गई। अब हमें इस पट्टी के थोड़े थोड़े से गैप में डार्ट्स डालनी है। अब डार्ट डालना ना बहुत ही इजी है। उसके लिए पहले फैब्रिक को इस तरह से उल्टी साइड पे फोल्ड कर दो, बट इस पे स्लाइड डायगोनली स्टिचिंग कर दो। यू कैन इजीली सी द प्रोसेस इन वीडियो। देन लास्ट में लेकिन नॉट लगाने के बाद अगर आप इसे सीधा करके देखोगे तो इस सीधी पट्टी में आपको हल्का सा कर्व दिखेगा। तो ऐसी डार्ट मैंने थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में पूरी पट्टी में लगा दी। अब आप इजीली इसे राउंड शेप में अपनी स्कर्ट के साथ में अटैच कर सकते हो। अब इस पट्टी को स्कर्ट पे मैंने उल्टी साइड से रख के पूरा स्टिच कर दिया। ये साइज में काफी छोटा था इसलिए मैं हैंड स्टिच कर रही हूँ, आप चाहो तो मशीन से भी कर सकते हो। तो देखो सीधा करने के बाद इसका शेप कितना अच्छा आया, इसे मैंने पूरे में अटैच कर दिया। ये तो मैंने अपनी डॉल के लिए बनाया, आप चाहो तो सेम प्रोसेस से अपने खुद के लिए भी बना सकते हो। इतनी अच्छी स्टिचिंग तो मुझे भी नहीं आती, बट स्कर्ट बनाना तो सच में बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब इसके टॉप पे जो हमने होल किया था उसके साइड में मैंने एक छोटा सा कट लगाया, देन वहां से लेके इसकी पूरी एजेस को मैंने फोल्ड कर दिया ताकि एकदम फिनिशिंग लुक आ जाए। एंड फोल्डिंग मैंने एकदम एज पे ना करते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस पे करी है। उससे बीच में जो स्पेस बचा उसमें मैंने एक मोटे थ्रेड को इंसर्ट कर दिया, जो कि लहंगे को बांधने में हेल्प करेगा एज नाड़ा। अब देखो ओरिजिनल आउटफिट तो उन्होंने पूरा मेजरमेंट के साथ बनाया होगा, बट हमारा काम चलता है जुगाड़ से, इसलिए मैंने इसमें नाड़ा डाल दिया ताकि मेजरमेंट की जरूरत ही ना पड़े। हमारी बार्बी की कितनी भी कमर हो आसानी से आ ही जाएगा। अब स्कर्ट तो रेडी हो गई है, इसका टॉप बनाने के लिए मैंने लिया एक और टुकड़ा, उसे ऐसे 4 फोल्ड करके मैंने कुछ इस तरह से डायगोनली कट कर दिया। अब इसे चारों तरफ से फोल्ड करके स्टिच करना है टू गिव इट अ फिनिशिंग लुक। तो ये एक कॉर्सेट टॉप बनने वाला है, इसके ऊपर के लिए अभी हमें एक जैकेट भी बनानी है। तो पूरी एज फिनिशिंग होने के बाद मैंने इसे पहनाने के लिए इसकी दोनों एजेस पे वेलक्रो टेप लगा दी, आप चाहो तो हुक भी लगा सकते हो। अब देखो ओरिजिनल आउटफिट में जो उन्होंने जैकेट बनाई थी वो एक्चुअल में कोटी थी, बट कोटी बनाना इज क्वाइट ट्रिकी। तो मैंने अपना जुगाड़ू दिमाग लगा के बहुत ही सिंपल वे में एक जैकेट बनाई। तो उसके लिए मैंने दो पतली पतली पट्टियां काट ली, बट देखो जुगाड़ में भी थोड़ा दिमाग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप पट्टियों को कहीं से भी काट दो। मैंने एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए इसे सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर से कट किया ताकि जैकेट की दोनों साइड सेम दिखे। अगर आप कोई भी टुकड़ा कहीं से भी कट करके इसमें लगा दोगे तो लुक थोड़ा खराब हो सकता है। अब इन पट्टियों के भी एजेस को मैंने फोल्ड कर दिया, देन एक और पट्टी लेके मैंने उन्हें कुछ इस तरह से अटैच कर दिया। अगर आप कोटी स्टाइल में बनाते तो आपको फ्रंट एंड बैक के अलग अलग पीसेस कट करने पड़ते, देन उसका आर्म होल नेक सब कुछ अलग से मेजरमेंट लेके बनाना पड़ता। बट ये ट्रिक सिर्फ बार्बी के लिए काम करेगी, अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो कोटी स्टाइल ही बनाना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो यार मैं कितना सिंपल वे से अपनी बार्बी की जैकेट को बना रही हूँ, मतलब इसमें ज्यादा काम ही नहीं है, बच्चा भी इसे बना सकता है। तो एकदम सिंपल वे में मैंने अपनी बार्बी की पूरी ड्रेस तो स्टिच कर ली। वैसे तो ये ऐसे भी काफी सुंदर लग रही है, बट मुझे स्टिल इसमें कुछ कमी लग रही थी। तो क्या इसे सेम लुक देने के लिए मैंने इसमें करी कलर से कलाकारी। देखो ओरिजिनल आउटफिट में तो कलरफुल प्रिंट था, बट मुझे उस तरह का कलरफुल प्रिंट में फैब्रिक मिला ही नहीं, इसलिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट लेके उसे ही कलर कर दिया। एंड ट्रस्ट मी कलर होने के बाद इट वॉज लुकिंग रियली अमेजिंग। हियर आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर, जिसके मैंने सिर्फ 4 शेड लेके इसे पूरा कम्प्लीट किया। इससे ये प्रोसेस इतना जल्दी कंप्लीट हो गया, मुझे तो सच में बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। वैसे पहले मैं इसका फुल वीडियो अपलोड नहीं करने वाली थी, बट आप लोगों के इतने अच्छे व्यूज और कमेंट्स देख के मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला, तब मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसका एक डिटेल वीडियो भी शेयर करना चाहिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली कि आप मेरी हर वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट किया करो। अच्छा लगता है यार जब हम मेहनत करते हैं और उसको इतने अच्छे व्यूज मिलते हैं, तो आगे काम करने का और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने का और मोटिवेशन मिलता है। तो यार देखो बातों बातों में हमारी पूरी ड्रेस भी कंप्लीट हो गई है, कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो बाबी लेट्स फ्लॉन्ट इट।